अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पे एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह का 9 बजने का टाइम है अभी, और मैंने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर ली हूँ, मम्मी जी को भी दे दी हूँ और सोनी को स्कूल में छोड़ के आ चुकी हूँ। और मैं यहाँ पर ना थोड़ा जो बेड है ना वो झाड़ देती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चे सोए रहते हैं इसलिए झाड़ नहीं पाते, तो इसलिए बेड झाड़ रही हूँ। और यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे कपड़ ना थोड़ा मेसी हो रखा है तो उसको थोड़ा अच्छे से मतलब अरेंज करके रखूँगी। सोनी की वजह से नहीं कर पा रही थी, सोनी आज स्कूल गई है तो मैं सोची चलो आज ये काम कर लेती हूँ। तो ये सोच के मैं फटाफट से ना बेड को झाड़ लेती हूँ और कबर्ड में से सारा सामान निकाल के ना उसको थोड़ा रीअरेंज कर लूँगी जितना हो सके, जो कि मेरा जो कॉस्मेटिक सामान है ना, जैसे कि मेरा क्रीम पाउडर वगैरह, चूड़ी वगैरह, ज्वेलरी सब जो है वो मैं अरेंज करने वाली हूँ, तो ये सब मैं अरेंज कर लेती हूँ। देखिए मैं परफ्यूम को भी कबर्ड के अंदर छुपा के रखी, लेकिन सोनी ना कहीं भी कुछ नहीं रखती है, मतलब सब कुछ खराब करती है। अभी देखिए कबर्ड कितना गंदा है, इधर उधर उधर इधर रखी हुई हूँ। तो फटाफट से थोड़ा कबर्ड को मैं समेट लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारा सामान निकाल के रख दी हूँ जितना भी था, दो मतलब नीचे वाला जो तो कपड़े है, कपड़े है वो ठीक ठाक है, लेकिन ये जो कॉस्मेटिक है ऊपर कुछ चीज़ें हैं वो मेरा ख़राब हो रहा था, मतलब गंदा हो रहा था, मेसी हो रहा था, इधर उधर सामान मुझे मिल भी नहीं रहा था। तो यहाँ पर मैं सारे सामान निकाल दी हूँ और यहाँ पर ना मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, कैसे इसको अरेंज करूँ यही सोच रही थी। तो ना ऐसे थोड़ा मतलब ये जो इस जो खोखा है ना इसको ऑनलाइन मैंने पर मतलब मंगवाई थी, जो वेलवेट का जो चूड़ी आता है कांच का वो मैंने पूरा एक खोखा मंगवाई थी, पहन के अभी थोड़ा ही बच गया है। तो मैं सोच रही हूँ चलो इस चूड़ी वगैरह जो है उसको अरेंज करूँगी, तो आप लोगों को बस दिखा देती हूँ कहाँ क्या अरेंज करती हूँ, वो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। बीच में ना बेबी भी आ जाती है मतलब परेशान करने, ऐसे ही होता है अभी घर में, बच्चों वाला घर हो ना बहुत ही परेशान होती है। तो ये देखिए चूड़ियाँ मंगवाई थी ना कब से, वेलवेट का है पूरा बहुत ही अच्छा लगता है ये चूड़ी, लेकिन ये ना जल्दी ख़राब हो जाती है, बस पार्टी वेयर है, पहन के जाओ और ला के रख दो, ऐसा ही वाला चूड़ी है ये। तो चलो फटाफट से ये मैं अरेंज कर लेती हूँ। कुछ चूड़ी जो मैं यूज़ नहीं करूँगी ख़राब हो चुका है, इसको ये पॉलीथीन में डाल रही हूँ, इसको फेंकना है बस, जो ऑर्डिनरी है यूज़ नहीं आना है उसको मैं एक पॉलीथीन में सब डाल देती हूँ, चूड़ियाँ और भी कुछ मतलब ये तो मतलब चीज़ जो यूज़ नहीं होती है, मतलब ऐसे ही पड़ी हुई है, ऐसे ही होता है घर हर एक के घर में ऐसे ही होता है, मतलब सामान ना मतलब जो यूज़ करनी है तो वो भी पड़ी पड़े ना मतलब कबर्ड मतलब ऐसे होता है, मतलब ज़्यादा मतलब जगह भी लेती है, तो इसलिए मैं जो यूज़ करनी है वो फेंक रही हूँ। यहाँ पर देखिए टिफिन बॉक्स में मैं मेरा जो आई शेडो और आईब्रो वगैरह जो है इसमें रखती हूँ, क्योंकि सोनी ना सब ख़राब कर चुके, तो मैं न्यू कुछ मंगवाई थी वही रखी हूँ, इसको भी मतलब सोनी ख़राब कर देती है। कुछ दिन पहले भी सोनी मेरा जो मतलब ये होता है फाउंडेशन एक मैं लाई थी कभी कभार मतलब पार्टी में लगाने के लिए फेस पे, तो वो पूरा ख़राब कर दी सोनी, सब गिरा दी थी, मैं इसके वजह से परेशान हूँ सोनी की वजह से। और देखिए यहाँ पर बेबी भी आ गई, बहुत परेशान कर रही थी, देखिए कितनी रो रही है।
और यहाँ पर लोरी बोल रही थी कि मुझे ऊपर ले लो, जो सामान पड़ा है ना ये सब मैं खेलूँगी, मैंने सबको लेना है। और एक चीज़ उसको दे देती हूँ, कुछ देर खेलती है फिर आके मतलब रोने लगती है कि ऊपर लेना है। देखिए मैं दो कागज़ दे दी, उसी से अभी खेलेगी बैठ के, क्योंकि मैं ऊपर नहीं ला रही क्योंकि बहुत सारे सामान ऐसे मतलब वो ख़राब भी कर सकते हैं, और कुछ चीज़ ऐसे है पड़ा था छोटा मोटा वो मुँह में लेके खा भी सकती थी, तो इसीलिए फिर भी मैं उसको ऊपर ला के कुछ देर बिठाई क्योंकि सहन नहीं हो रहा था, रो रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए। और यहाँ पर देखिए सब कुछ मैं संभाल लेती हूँ फटाफट से। अभी गए सारा सामान मैंने रख ली हूँ और अभी फटाफट से सारे मतलब सामान जो मैं कबर्ड के अंदर रख लूँगी अरेंज कर ली हूँ, मतलब सब कुछ अलग अलग बस कबर्ड के अंदर रखना है। और ना टाइम हो रहा था सोने को लेने के लिए, तो ये सफाई मेरा एक दिवाली का एक सफाई मतलब मान लो दिवाली की पहले से एक ये कबर्ड सब का साफ करना था, तो मैं कबर्ड को साफ कर ली हूँ। तो फटाफट से सामान रख के ना मुझे सोनी को लेने जाना है क्योंकि टाइम हो गया था और 5 मिनट बस बाकी था। फटाफट से ये सब रख के मुझे सोनी को लेने के लिए निकलना है। सब कुछ रख लिया है, अब मैं जा रही हूँ सोनी को लेने के लिए फटाफट से ना, बस बेड को झाड़ के थोड़ा सा झाड़ू लगा के फटाफट से अभी मैं जा रही हूँ सोनी को लेने के लिए क्योंकि टाइम नहीं हो पाता, सोनी वेट कर रही होगी। अब थोड़ा लेट हो जाएगा ना, सोनी रोने लगती है फिर, तो चलो फटाफट से सोनी को ले कर आती हूँ फिर मिलती हूँ। सोनी को लेकर आई स्कूल से, अभी काम बहुत बड़ा, देखिए इसको मैंने नहीं फेंका ना, ये अभी कचरा करेगी, इसको मुझे फेंकना पड़ेगा पहले बाहर, फेंक करती हूँ नहीं तो पूरा घर कचरा कर देगी। और बाहर रख देंगे ले जाएगा, सोची थी इसमें कुछ। तो गाइस अभी तो मैं सोनी को लेके आ चुकी हूँ और उसको अभी नहाना है, उसको कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी, उसको तैयार करके फिर लंच की तैयारी करूँगी और ब्लॉग में आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। आज का जो ये ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आज का ब्लॉग ये छोटा सा ब्लॉग बना पाई हूँ, आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय। तोर गच्छे पुरुणा से तेरे कर आसान रख।